देखो तो कैसे मजे से निकल गई है जल कुकड़ी, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गुड़िया आधे घंटे से भगवान जी के आगे खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही। अबे सरला देवी बनी है तो बिहेव भी तो सरला देवी जैसी करेंगी कि नहीं। तुम्हारी अम्मा नहीं दो दो घंटे भगवान के सामने खड़े रह के बातचीत है? मतलब घर का काम भी सारा यही निपटाएगी। चलो जे बाने घर की साफ सफाई भी हो जाइए। और क्या पता कछु अच्छा पका भी दे। पप्पू भैया तेरे हाथ जोड़ू यार, रहने दे। हम का कह रहे खाना तो अपन जेनेक्स ही मंगवा लेंगे। क्या उस दिन राजा जी अब का ऐसे ही बैठे रहोगे कि कछु काम भी करोगे? है है नहीं, हाओ बोलो हाओ। पर अम्मा तुम तो सबरे काम खुद ही करती हो ना। हाओ बहू करत तो है, भज्जा को जो मतलब तो नहीं है ना कि हमेशा हम ही करते रहेंगे। थक गए हैं हम भी, सवेरे से उठ के चार तरह की चाय, तीन तरह को नाश्ता, झाड़ू पोछा, कित तो सब तो करत हैं। जी जिंदगी रह गई है हमारी, जय से आप सरला देवी करेंगी आराम और आप सब जने करेंगे काम। ओ, पर नहीं राजा जी, काम करिए काम, हमने कह दई तो कह दई। आप और समधी जी मिलके दो जने सफाई करेंगे, ठीक है समधी जी? कर लेंगे ना? हाँ, कर देंगे। हाँ, और पप्पू बेटा तुम बर्तन मांज लियो। अम्मा नहीं बर्तन। और राजमाता जी आप क्या करेंगी? ओ भैया हमें आखन से दिखाई नहीं देते और कानन से भी कम सुनाई देते अब। ओ भैया फिर तो राजकुमारी बुआ वालों कड़वो तेल कानन में डालने पड़ेगो और वो करेले को रस आखन में। नहीं वैसे अब हम ठीक है, हम ऐसा करते हम दाल चावल बना देते। अरे जिया दाल चावल बनाने में कुछ लगत है का? अगर बनाना ही है तो कछु अच्छा बनाओ ना, टेस्टी टेस्टी। तुम काहे नहीं बना लेते हो? हाओ बहू गालन पे लाली, होठो पे लिपस्टिक और काजल लगी मिचमिची आंखन से घंटा भर दाल चावल को देखो और देख के ऊ कर दो, बस पक जाते दाल चावल। अम्मा 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 नहीं करो और दस्ती दिखाने भर से कछु नहीं होगा। चलो उठो सब जने काम पे लग जाओ। अम्मा अब हम का काम करें? तुम अपनो पसंदीदा काम जो तुम सबसे अच्छे से कर सका तो बहू आराम। अम्मा जी तुम हमसे कह रही तुम्हें इसे और कौन दिख रहो का बहू? अम्मा